मेनियस डिजीज इसके कारण लक्षण और डायग्नोसिस। मेनियस डिजीज किसके कारण होता है? यह इनर ईयर को प्रभावित करता है। इसकी वजह से चक्कर की समस्या होती है जिसमें गोल गोल घूमने की फीलिंग आती है, कानों में रिंगिंग की आवाज आती है और इससे सुनने में समस्या होने लगती है। यह डिजीज ज्यादातर केवल एक कान को ही प्रभावित करता है। यदि किसी को मेनियस डिजीज है तो इसका सही इलाज और जीवन शैली में बदलाव लाने से इसमें काफी मदद मिल सकती है। मेनियस डिजीज कैसे होता है? वैज्ञानिकों का मानना है कि इनर ईयर की नलियों के द्रव में परिवर्तन के कारण यह डिजीज होता है। इस बीमारी के अन्य कारणों में ऑटोइम्यून बीमारी, एलर्जी और आनुवांशिकी भी शामिल हैं। मेनियस डिजीज के लक्षण क्या हैं? आमतौर पर इस बीमारी के लक्षण एपिसोड या अटैक के रूप में आते हैं। इन लक्षणों में शामिल हैं वर्टिगो यानी सिर का चक्कर, जो कुछ मिनटों से लेकर 24 घंटे तक रह सकता है। प्रभावित कान में कम सुनाई देना। प्रभावित कान में टिनाइटिस होना या टिन टिन झंझनाहट की आवाज सुनाई देना। कान भरा भरा लगना या बंद बंद लगना। खड़े होने पर या चलने पर संतुलन बिगड़ना। सिर दर्द रहना। तीव्र चक्कर की वजह से जी मिचलाना, नौसियर, उल्टी आना और पसीना आना। इस बीमारी में किसी को एक समय में इनमें से दो या तीन लक्षणों का अनुभव होता है। चक्कर आना, कम सुनाई देना, टिनिटस, कान भरा भरा लगना। आमतौर पर मेनियस डिजीज को अन्य इनर ईयर बीमारियों के साथ भी कंफ्यूज किया जाता है, जैसे कि लैब्रिन्थाइटिस। इस बीमारी का निदान कैसे किया जा सकता है? यदि आप मेनियस डिजीज के लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो आपका डॉक्टर इन टेस्ट्स के माध्यम से इसका डायग्नोसिस करेगा। कान की जांच। कान की चेकिंग या ऑडियोमेट्री से यह पता लगाया जाता है कि आप कहीं हियरिंग लॉस से तो नहीं जूझ रहे हैं। इस टेस्ट में आपको हेडफोन द्वारा अलग अलग पिचेस और वॉल्यूम्स की नॉइजेस सुनाई जाती है। हियरिंग लॉस इनर ईयर में समस्या या कान की नर्व में समस्या होने से होती है। इनर ईयर की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को नापने के लिए ईकोग यानी इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी टेस्ट किया जाता है। इन टेस्ट से डॉक्टर को यह पता चल जाता है कि दिक्कत इनर ईयर की वजह से है या कान की नर्व की वजह से है। बैलेंस टेस्ट्स। बैलेंस टेस्ट्स को इनर ईयर के फंक्शंस को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। मेनियस डिजीज को टेस्ट करने के लिए एंग यानी इलेक्ट्रोनिस्टाग्मोग्राफी नाम का बैलेंस टेस्ट किया जाता है। वीईएमपी यानी वेस्टिब्यूलर एवोक्ड मायोजेनिक पोटेंशियल टेस्टिंग, यह टेस्ट इनर ईयर में मौजूद वेस्टिब्यूल की साउंड सेंसिटिविटी को नापने के लिए किया जाता है। अन्य टेस्ट्स। दिमाग की संभावित समस्याओं को जानने के लिए सिर का एमआरआई या सीटी स्कैन किया जाता है। आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।